हाय गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। आज मैं फिर से कुछ दिनों गैप दे दिया, तो सोचा कि यार ज़्यादा दिन ऐसे कैसे ही चलेगा। सोचा कि आज से यार काफ़ी दिन वैसे गैप हो जाएगा, तो सोचा आज से स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे लखनऊ में काफ़ी अभी इधर धूप निकली है, और इधर आप देख सकते हैं काफ़ी बादल वगैरह, काफ़ी अच्छा सीन बन रहा है। मैं आज सोच रहा हूँ कि आज मैं बाहर जाकर ब्लॉग शूट करूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि मैं बाहर जाऊँ, बट नहीं जा पा रहा था। बट फाइनली आई थिंक आज मुझे जाना चाहिए। चलते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या होता है। लेट्स गो फॉर इट। तो अभी मैं आया था यहाँ पे, एक कह सकते हैं एक छोटी सी मंदिर है, मंदिर ही टाइप का कह सकते हैं। बट देख यहाँ से मतलब एक नदी का काफ़ी अच्छा व्यू आता है, सो दैट्स वाई मैं यहाँ आया था। अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। वैसे तो ये मेरा पहली बार मैं ऐसे बाहर आके ऐसे मतलब पूरा सब ब्लॉग बना रहा हूँ, बट लेट्स सी आगे हम लोग दिखाते हैं। मतलब यहाँ से नदी का काफ़ी अच्छा सीन दिखता है, सो दैट्स मैं यहाँ आया। यहाँ से पास ही में क्लॉक टावर भी है, अभी हम वहाँ भी थोड़ी देर के लिए चलेंगे, बट यहाँ पहले चलते हैं थोड़ी देर के लिए, देखते हैं नदी। ओके, सो यहाँ देख सकते हैं ये नदी है, और यहाँ से पुल का काफ़ी ऑसम व्यू आता है, तो दैट्स वाई यहाँ पे काफ़ी लोग आया करते हैं शाम को। गाइस अभी आप यहाँ से देख सकते हैं काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। ये यहाँ पे मतलब लोग शाम को आके खड़े होते हैं, और ये रही आपकी नदी, एंड वहाँ पे देख सकते हैं वहाँ पे एक छोटी सी कोई मंदिर है। तो यहाँ पे ज़्यादातर वगैरह लोग इसलिए आया करते हैं क्योंकि यहाँ से पुल का व्यू काफ़ी ऑसम आता है। देख सकते हैं वो रहा पुल, और नाव वगैरह है तो अभी पता नहीं शायद चल नहीं रही है, बट कोई नहीं। यही दिखाना था, और आगे वहाँ उधर क्लॉक टावर है तो हम उधर भी चलेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं ये गुंबद जैसे वगैरह कुछ बने हुए हैं, ये छोटा सा बार कह सकते हैं, और वो रहा क्लॉक टावर। अभी हम चलते हैं उसके पास भी। वैसे इधर एक चीज़ है, काफ़ी लोग मतलब इधर फ़ोटो शूट वगैरह के लिए भी आते हैं क्योंकि यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आता है। और ये पार्क अभी दिखाता हूँ मैं, जैसे देख सकते हैं ये भाई फ़ोटो शूटिंग कर रहे हैं, और काफ़ी लोगों भाई टिकटॉक बना रहा है। ऐसी सारी चीज़ें हुआ करती हैं यहाँ पे। इधर पार्क जैसा है कुछ, काफ़ी हरा हरा यहाँ से दिख रहा है सारी चीज़ें। अभी चलते हैं हम, कभी क्लॉक टावर के पास ही चलते हैं क्योंकि अभी इधर तो उतना कुछ है नहीं,
बाकी ये यहाँ पे यही चीज़ें थी ज़्यादा, मतलब कोई फेमस तो उतना भी नहीं है, बट हाँ यहाँ पे मतलब आए तो आने चाहिए, यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यू आता है नदी वगैरह का। उदयपुर को वहाँ पे काफ़ी सारी मूवीज़ वगैरह भी शूटिंग हो चुकी हैं, मूवी का नाम तो नहीं याद आ रहा, बट हाँ हुई है अभी जो हाल में गुलाबो सीताबो आई थी, वो काफ़ी सारी शूटिंग उसकी इधर ही की थी। वो मैं कभी और आपको अच्छे से दिखाऊंगा, रूमी दरवाजे के आसपास की थी वो सारी चीज़ें। सो अभी मैं फाइनली क्लॉक टावर के पास पहुंच गया हूँ। सो दिखा देता हूँ आपको क्लॉक टावर। ओके सो ये रहा क्लॉक टावर, जैसा कि बोला था हम यहाँ भी आएंगे, आ गए। और इधर वैसे तो काफ़ी मतलब पूरा पुराना लखनऊ ही है, उधर ये वो रूमी दरवाज़ा है वहाँ एकदम मेरे हाथ के पास, आप देख रहे होंगे हाथ के ऊपर, दैट्स रूमी दरवाज़ा। एंड उधर छोटा इमामबाड़ा वगैरह आ गया, या वो दिया उधर छोटा इमामबाड़ा, और इधर ही बड़ा इमामबाड़ा है, बट कोई नहीं अभी हम इधर अपना क्लॉक टावर देखते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे काफ़ी दिनों बाद आ रहा हूँ, क्योंकि मैं जहाँ तक मुझे याद है मैं काफ़ी दिन पहले आया था। अभी मैं यहाँ से आपको लोगों क्लॉक टावर दिखाऊँ, तो ये देख सकते हैं आप क्लॉक टावर, एंड काफ़ी पास में आ गए हैं हम क्लॉक टावर के। और इधर है एक छोटा सा तालाब, तो इधर काफ़ी लोग शाम को आया करते हैं। सो भी आप देख सकते होंगे यहाँ से काफ़ी अच्छा सीन लग रहा है। भी हम भी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं। या सो पीछे क्लॉक टावर और आगे तालाब, ये है आपका क्लॉक टावर। और जैसा कि देख सकते हैं काफ़ी हम पास में हैं क्लॉक टावर के, और क्लॉक टावर में शायद टाइम ही चलता है, देख सकते हैं एकदम एक्यूरेट टाइम 7 बजने वाला है, और काफ़ी सही समय बताता है वैसे नहीं मतलब या एकदम पूरा सही टाइम है वैसे। और ये रहा आपका यहाँ से आगे का व्यू, और ये रही तालाब, तालाब तो आप लोगों को मैं कितनी बार दिखा चुका कौन। यहाँ पे वैसे जब बारिश वगैरह होती है तो इधर पानी वगैरह भर जाते हैं, इधर तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, इधर कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और अगर इधर दिखा दो तो इधर छोटा सा पार्क है, जब मतलब लॉकडाउन नहीं था तो यहाँ पे काफ़ी मेला वगैरह लगता था, मतलब हर रोज़ मेला लगता था ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे झूला वगैरह, कारें वगैरह बच्चों के लिए काफ़ी सारी चीज़ें चलती थी। अभी तो हालांकि बंद है, अभी इधर बच्चे क्रिकेट खेला करते हैं, ऐसा देख सकते इधर मैच वगैरह हो रहे हैं। सो ये क्लॉक टावर, इधर रहा है छोटा इमामबाड़ा, और इधर है बड़ा इमामबाड़ा। तो अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को उधर रूमी दरवाज़ा की तरफ ले चल के। तो लेट्स गो, हम आए हैं ये रूमी दरवाज़ा के पास, ये है रूमी दरवाज़ा। और अगर मैं आप लोगों को उधर दिखाऊँ वो सारे पीछे जो गुंबद दिख रहे होंगे, ओके तो इसके पीछे जो है वो है बड़ा इमामबाड़ा, और इधर है छोटा सा पार्क जो बैठने में काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। और ये सारी चीज़ें हैं, और सो यही सारी चीज़ें आप लोगों को दिखानी थी। आज काफ़ी दिनों बाद मैं ब्लॉग बना रहा था, तो सोचा आज बाहर चल के ब्लॉग बनाते हैं, ताकि थोड़ी बहुत अलग भी वीडियो बन जाए, और काफ़ी दिनों बाद आई है थोड़ी बहुत अलग भी लगे। तो दैट्स ऑल, ये सारी चीज़ें होंगी, अभी हम चलते हैं घर। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आज मैं काफ़ी दिनों बाद बाहर जाके वीडियो बनाया था, सोचा ज़्यादा दिन सब ब्लॉग नहीं बनाया, तो आज थोड़ा बहुत बनाया तो कहीं बाहर चल के ही बना लेते हैं, तो दैट्स वाई बाहर गया था। सो आई होप तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें,
और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। फिर ये प्रोफाइल है मेरी, यूज़र नेम डाल के फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल यूज़र नेम, हाय संजीव टाइप कीजिए और प्रोफाइल आ जाएगी। ये है प्रोफाइल, तो जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर को वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, ओके बाय।